पॉलिसी चेंज की हम गुज़श्ता दिनों बात कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके बाद पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ है वो आपके सामने है। अमेरिका किस तरीके से लगातार अफगानिस्तान के सदर और साबिक सदर के साथ रابطे में है। हमने कल वाले प्रोग्राम में आपको बताया था कि व्हाइट हाउस के अंदर जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है और उनके हामी हैं उनके साथ मुलाकात हुई और मशावरत का सिलसिला जारी है, लेकिन भारत भी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि भारत का डेलीगेशन जो है वो तालिबानी लीडरों के साथ दोहा के अंदर मुलाकात कर चुका है। अगरचे दफ्तर खारजा, भारत के दफ्तर खारजा फॉरन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से अभी इस खबर की न तो तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद की गई है, लेकिन ये खबर डेवलप कैसे हुई है, क्योंकि ये पहला ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है जी डायरेक्टली दोहा से, जहां पर ये मीटिंग हुई है और कतर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि पिछले कई हफ्तों से लगातार कोशिशें हो रही थी, जिनमें दो बार कतर के अंदर एक ही हफ्ते के अंदर वजीर खारजा जो है वो रुके और वहां पर कतरी अफसरों के साथ और वहां के दफ्तर खारजा के सीनियर लीडरों के साथ और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उन्होंने बाजाबता तौर पर तालिबान के साथ, तालिबानी लीडर्स जो दोहा के अंदर मौजूद है उनके साथ मुलाकात की है और खित्ते के कयाम के अमन के लिए किस तरीके से राहें आगे बढ़ सकती हैं और भारत का कितना बड़ा रोल अफगानिस्तान की तरक्याती नौ में और वहां के कयाम नौ में बन सकता है और क्या कुछ उन्होंने किया, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू जो है वो हुई है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कतर के हवाले से खबर सामने आई है, कतर के ज़राए बलाग इस बात को कोट कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर खारजा फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक इस बारे में न तो तरदीद की गई है और ना ही इसकी तस्दीक हो रही है, लेकिन कतर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने यही आ रही है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो तनाज़ात हैं या जो कशीदगी है या इसके साथ दहशतगर्दी का मामला है, इस पर दरअसल एक वीडियो, एक वेब कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके दौरान कतर के एक अहदेदार की तरफ से, जो कि लगातार सियासी मामलात पर नजर रखे रहे हैं, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालिया जो भारत के वजीर खारजा का एक हफ्ते के दौरान दो मुलाकातें कतरी अहदेदारों से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस दौरे की जो असली तस्वीर थी वो भी साफ की और साथ ही इसकी तस्दीक की कि भारत का वफद जो है वो तालिबान के डेलीगेशन से या उनके नुमाइंदों से कतर के अंदर दोहा में मुलाकात करने जरूर पहुंचा था, मगर भारतीय वजारत खारजा की तरफ से इस सवाल के जवाब में फिलहाल कोई कमेंट नहीं किया गया है। इंतजार जरूर रहेगा क्योंकि वजारत खारजा का बयान ही इसमें काफी इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, इस पर भारत का क्या कुछ रोल रहने वाला है, वो तमाम चीजें इस वेब कॉन्फ्रेंस के दौरान जेर गौर आई हैं, जिन पर तफसीली बात रखी गई है कतर के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से।